5 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव शुरू हो गया है। समारोह का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पहले दिन गायिका मैथाली ठाकुर को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 5 दिवसीय कुमाऊं द्वारा महोत्सव शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित के साथ की। कुमाऊं द्वारा महोत्सव की पहली शाम प्रख्यात गायिका मैथाली ठाकुर के नाम रही। मैथाली ठाकुर ने अपने सुंदर भजनों और कुमाऊनी व गढ़वाली गीतों को सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाली कुमाऊं द्वारा महोत्सव में उत्तराखंड के एक दर्जन से अधिक लोक गायक अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। देर रात तक चले कार्यक्रम में मैथाली ठाकुर को सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा रही। बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मैं पहली बार कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषी लोग हैं उनके बीच में अपने भजनों को लेकर उपस्थित रहूंगी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। हमारा कल्चर बहुत रिच है, भारत का ही कल्चर बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावकारी है। उसी में आज जो कुमाऊं महोत्सव का यहाँ पर श्री गणेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, उसमें ठाकुर मैथिली जी है और भी अन्य कलाकार हमारे यहाँ पर हैं। हमारे कैसे कल्चर हैं, हमारी नेवली क्या है, हमारे झोड़े क्या है, हमारे खम्माज क्या है, हमारे जो सीजनल गीत चलते हैं, सीजनल बसंत के मौसम का, बारिश के मौसम का, जाड़ों के दिनों का, हर तरह की जो हमारी संस्कृतियाँ हैं वो आज यहाँ पर उजागर होंगी। जो नई पीढ़ी है उसको जो पुरानी पीढ़ी है हमारी वो साक्षात्कार कराती है कि ताकि वो लोग इससे कुछ सीखें और आने वाले दिनों में वो इनहेरिट करें इसको। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।